नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की मुख्य जड़ एमएसपी के बारे में कि क्यों किसान सड़क पर उतरकर इसके कारण सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वैसी वीडियो ला सकूँ। दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर पर 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से किसान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार किसानों के साथ बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रही है। इस घटनाक्रम के दौरान जो सब सबसे ज्यादा बार सुनने को मिल रहा है वह है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वह कीमत है जो साल में 2 बार रबी और खरीफ फसल के समय क्रॉप साइकिल से पहले घोषित की जाती है। यानी सरकार गारंटी देती है कि किसानों को फसल का कम से कम मूल्य तो मिलेगा ही, भले ही सरकार को फसल खरीदनी पड़े। ये व्यवस्था कुछ बड़ी फसलों के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा एक कमीशन सिफारिश के बाद की गई थी। एमएसपी को घरेलू उत्पाद और मांग के आधार पर तय किया जाता है।